चाचा पत्नी की मेन मोबाइल मार्केट है। इस दुकान पर कुछ रोज पहले डकैती हुई है। इसके आनर ने एहतजाज का एक अनोखा तरीका अपनाया है। इस दुकान पर फ्लेक्स अवेजा है जिस पर एक तहरीर लिखी गई है और सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी धूम मची है। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि पुलिस का डाला गुजर रहा है, वो एक दूसरे को बता रहे हैं जब हम पहले गुजरे थे तो ये हमें वाजे दे रहे थे यहाँ पे डकैती हुई है, तो हम रुके नहीं थे। आपकी इस फ्लेक्स की धूम पूरी सोशल मीडिया पर मची हुई है। टिकटॉक पर लाखों लोग इसे देख चुके हैं। इस अनोखे एहतजाज का ख्याल आपको कैसे आया? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएटेड हूँ कॉमसेट साहिवाल से। मैं पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा शहरी हूँ। मैं पुरअमन एहतजाज का रास्ता मैंने इख्तियार किया है कि अगर पुलिस मेरी रिकवरी जब तक नहीं करती, ये फ्लेक्स मेरी दुकान के बाहर लगा रहेगा, एक याद दहानी उनको रहेगी कि भाई इस दुकान पे डकैती हुई है हमारी मौजूदगी में और हमने इसकी रिकवरी करवानी है और हमने डकैत पकड़ने हैं। इस टाइम उकाब वाला रोड पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी आमदोरफ्त है। मेन मार्केट है ये चीचा वतनी की। यहाँ पे दिन दिहाड़े दो मुसल्ला अफराद आते हैं, आके डकैती करते हैं मेरे साथ, दुकान पर आते हैं बजोरे असला लूट मार करके चले जाते हैं। मेरे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि पुलिस का डाला गुजर रहा है। मैं उनको वाजे दे रहा हूँ, हालांकि जब पुलिस का डाला वही डाला 10 से 15 मिनट के बाद वापस गुजर रहा है और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि जब हम पहले गुजरे थे तो ये हमें वाजे दे रहे थे यहाँ पर डकैती हुई है, तो हम रुके नहीं थे। तो इससे तो साफ वाजह है कि पुलिस इस डकैती में मुलव्वज़ है और पुलिस की सरपरस्ती में सारा कुछ हुआ है। फरहान साहब, ये बताइएगा ये डकैती कब और किस दिन हुई? ये तकरीबन 16 दिन पहले की बात है। तकरीबन दिन 1:30 बजे का वाक़ है। ये तकरीबन दो मुसल्ला अफराद थे, एक के पास पिस्टल थी और एक के पास गन थी। दोनों आए हैं और उन्होंने जितने कस्टमर थे उनको भी रगमाल बनाया है और उनसे भी नकदी ले ली है और उसके बाद मेरी काउंटर में आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गल्ला बताओ, गल्ला किधर है आपका, फिर उसमें उन्होंने हाथ डाला है और जितनी मेरी जमा पूंजी है वो 1 मिनट में लेके चले गए हैं। कितना नुकसान हुआ आपका इस डकैती के दौरान? 4,52,000 रुपये की डकैती हुई है जिसमें दो मोबाइल फ़ोन लेके गए हैं और 4,00,000 रुपया जो है वो तकरीबन कैश है। डकैती के फौरन बाद आपने पहला काम क्या किया? मैंने सबसे पहले जो है 15 पे कॉल की है जब डकैती हुई है, तो पुलिस जो है 15 पे कॉल करने के 35 मिनट के बाद आई है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास चौक है बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस का नाका लगा होता है। पुलिस का नाका जो है वो 24 घंटे मौजूद होता है, पुलिस का एक डाला मौजूद होता है यहाँ पे हर टाइम। लेकिन 15 पे कॉल करने के 35 मिनट के बाद पुलिस आ रही है। जब डकैती करके दुकान से बाहर जा रहे हैं तो पुलिस का जो डाला है वो दुकान के बाहर से गुजर रहा है। हम पुलिस को पुकार रहे हैं कि डकैत है, इनको पकड़ें, लेकिन पुलिस जो है हमारी बात को इग्नोर करके गुजर जाती है। तो इससे तो यही वाजह होता है कि पुलिस इस डकैती में मुलव्वज़ है और इसी के लिए मैंने पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया और ये फ्लेक्स लगाया है। ये पुलिस ने एफआईआर कब दर्ज की? एफआईआर तो उसी दिन ही दर्ज हो गई थी। पुलिस ने क्या की है, क्या रिजल्ट निकला अभी तक? पुलिस जो है वो सिर्फ थाने के चक्कर लगवा रही है। मुझे 4 से 5 दफा थाने बुलाया गया है कि आप थाने आए, मुझे बुलाया जाता है, वहाँ पे मुझे बैठाया जाता है, मेरी बात तो सुनी जाती है, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा, डकैत नहीं पकड़े जा रहे, मेरी रिकवरी नहीं हो रही। अब 16 दिन गुजर गए हैं, पुलिस सिर्फ वादे कर रही है कि हम डकैत पकड़ लेंगे। मैं थाने के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, लेकिन मेरी कोई दादरसी नहीं हो रही। एएसपी साहब हैं, मास साहब, वो मुझे बुलाते हैं, कहते हैं ये फ्लेक्स उतार दो, हम जो है आपकी रिकवरी करवा देंगे। आपने इसके ऊपर लिखा है कि ये फ्लेक्स 2 मरतबा उतारी जा चुकी है, ये किसने उतारी है? ये वही लोगों ने उतारी है जिनके मुतल्लिक मैंने इस फ्लेक्स पे लिखा हुआ है कि मेरी 2 दफ़ा फ्लेक्स उन्हीं लोगों ने उतारी है। किन लोगों ने? इसमें पुलिस मुलव्वज़ है, क्योंकि इसमें पुलिस के खिलाफ ही तहरीर लिखी है कि उनकी मौजूदगी में उनकी सरपरस्ती में डकैती हुई है। इसके बाद हमारा प्लान यही है कि हम ये फ्लेक्स जो है वो पूरे चीचावतनी में लगवाएंगे। ये मेरा मामला नहीं है, ये पूरे शहर का मामला है। हमने शहर को पुरअमन बनाना है, उसके बाद ये फ्लेक्स जो है ये याद दहानी के लिए है बेसिकली।